बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ जी बन रहे हैं आज फ़िश, यानी कि टूना फ़िश, जो कि कैन वाली फ़िश है। और ये बहुत झटपट, बहुत ही ज़बरदस्त जब तैयार हो जाती है, बहुत यम्मी लगती है। और इतनी इजी इसकी रेसिपी है। ये जी टूना चंक्स हैं इसके अंदर, 4 पैक्स हैं ये, आप देख सकते हैं। इसको मैं अनपैक कर रही हूँ, उसके बाद जो है हम लोग बहुत झटपट सी इसका मसाला भूनेंगे और झटपट सी ही ये रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, ये चारों के चारों कैन हम खोल लेंगे, उसके बाद जो है मसाला भूनेंगे और उसके अंदर ये जल्दी से हम ऐड कर देंगे। और इसके अंदर जो है ये सारा जो ऑयल होता है वो सनफ्लावर ऑयल होता है, इसलिए हम लोग बिल्कुल भी अपने पास से ऐड नहीं करेंगे कोई भी ऑयल। ये देखें, ये चारों हमने जो है डब्बे जो है अनपैक कर लिए हैं। अब हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर जो है हमने यही जो है डब्बों में जो ऑयल था सनफ्लावर ऑयल वो सारा ऐड करा है। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 या 1 छोटी सी प्याज, जो कि हम लोग बिल्कुल फ़ाइन चॉप करेंगे। और उसके बाद जो है ये मसाले हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज़ीरा है, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया है, गरम मसाला है और पिसी हुई लाल मिर्चें भी हैं। ठीक हो गया, ये हम पहले प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हम प्याज को सौते कर लेंगे। उसके अंदर हम लोग 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना। उसके बाद जो है हम लोग 1 टमाटर काट के या फाइन चॉप करके वो ऐड करेंगे। इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके जो है मसाला हम बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करिए, मसाला आपने बहुत 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 ही अच्छे तरीके से भूनना है। ऑयल कम लगे तो ऑयल आप लोग बार बार जो है अपने आपके जो टूना चंक्स के पैक है उसके अंदर से डाल सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बिल्कुल ना डालिएगा। ठीक हो गया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जब हम मसाला भून लेंगे, मसाला जो है अपना सारा ऑयल छोड़ देगा, फिर हम लोग जो है इसमें टूना चंक्स ऐड कर देंगे सारी। ये बहुत हेल्दी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत यम्मी सी होती है और ये बिल्कुल रेडी होती है। इसको जस्ट जो है हमने दम पे रखना होता है, तो आप देख सकते हैं। और जब आप इसको पैक खोलेंगे तो इसकी स्मेल भी इंतहाई प्यारी आएगी। ये देखें, ये मैंने चारों डब्बे जो है इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसको अच्छी तरीके से इसमें भून लेंगे। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना वरना इसका बिल्कुल ही चूरा चूरा हो जाना है। ये देखें, बस इसको अच्छी तरीके से हम लोग भून के ये हम 2 मिनट में रेडी कर लेंगे इसको दम पे रख के। ठीक हो गया, यहाँ जो है ज़बरदस्त यम्मी डिलीशियस एंड माउथ वाटरिंग टूना चंक्स रेडी है।